काम करने की नियत हो तो मंजिलें आसान होती हैं। सिद्ध के दिल के साथ इरादा किया जाए और कामयाबी ना मिले ऐसा मुमकिन नहीं। जिस कौम ने एटम बम बना लिया उनके लिए डॉलर संभालना कोई बात नहीं, लेकिन बात सिर्फ नियत और इरादे की है। रियासत ने डॉलर के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया कि महंगाई की बुनियादें हिल गईं। जितनी चीजों की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, सब कीमतें जमीन पर आना शुरू। सरिया 50,000 रुपए फी टन सस्ता हो गया। गाड़ियों की कीमतों में 5 लाख रुपए तक की कमी हो गई। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में भी वाजे कमी आने लगी, जबकि अभी तो एक्शन शुरू हुआ है और महंगाई नीचे आना शुरू हो गई है। अभी तो टीमों को डॉलर और सोना जखीरा करने वालों के घरों पर छापे मारने हैं, अरबों डॉलर के जखायर बरामद होने हैं। मईशत के नासूरों के खिलाफ अभी एक्शन का आगाज हुआ है और मईशत में जान आ गई है। ये एक्शन जैसे जैसे अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा, मईशत भागना दौड़ना शुरू कर देगी। सिर्फ अगर तामीराती शोबे की ही बात की जाए तो इस शोबे से सैकड़ों इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है, जिनके चलने से मईशत को तरक्की करना है। रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसी तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी दोबारा से जान आई है। महंगाई की वजह से गाड़ियां फरोख्त होना जो कम हुई थी वो अब दोबारा शुरू हो गई है। सादा अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि मईशत दुरुस्त करने के लिए वसाइल का रोना नहीं रोया जाता, बल्कि मईशत को तबाह करने वाले नासूरों को पहले खत्म किया जाता है। ये मुल्क वसाइल से मालामाल है, सिर्फ नेक नियति की जरूरत है। सिपह सालार ने जिस अंदाज से मईशत को संभालने के लिए इकदामात उठाए, इसको तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा।